ठीक है बेटा, अब हम करते हैं एक्सरसाइज इसमें 1.2। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और जस्टिफाई करना है हमारे अपने आंसर को। इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, और अगर गलत हैं तो क्यों गलत हैं। देखो पहला तो है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। आप कहोगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं कि देखो सारे इरेशनल नंबर रियल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स रैशनल हो जाएं इट इज़ इम्पॉसिबल। हमारे पास स्टेटमेंट लिख रहा है यहाँ पे, देखो एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, फॉल्स, बिकॉज देयर मे बी सम इरेशनल नंबर, वहाँ पे कुछ इरेशनल नंबर हो सकते हैं, और यही कंडीशन आपकी इरेशनल नंबर वालों के साथ होती है। लेकिन सारे रैशनल नंबर रियल हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर रैशनल नंबर रियल हो सकते हैं और एक पर्टिकुलर इरेशनल नंबर्स आपके रियल हो सकते हैं। और रियल नंबर्स तो आप जानते ही हो, ये कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू, ठीक है। अब अभी सेकेंड रोक लो, थर्ड पे चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर, आप कहोगे सर हो ही नहीं सकता, फॉल्स, क्योंकि वहाँ पे कुछ इट मे बी सम देयर मे बी सम रैशनल नंबर्स, देखो ये रहा, देयर मे बी सम रैशनल नंबर हो सकते हैं वहाँ पे कुछ रैशनल नंबर। सारे रियल नंबर्स आपको, आप सारे रियल नंबर्स को इरेशनल नहीं बोल सकते, वहाँ पे कुछ इरेशनल नंबर भी तो होंगे भाई, है ना। वैसे एक एग्जांपल जैसे हम लेके चलें, जैसे सारी क्लास को हम कहें कि ऑल क्लासेस इन द स्कूल आर गुड, तो वास्तव में ऐसा होगा, वहाँ पे कुछ बच्चे नालायक भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ शैतान होंगे, है ना। तो वो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। अच्छा मतलब क्या है इसका, देखो जैसे ये मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, मेरा सेंटर नंबर क्या होता है, ज़ीरो, और राइट हैंड साइड वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये एरो बताता है कि ये नंबर चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे पास नंबर लाइन पे, क्या ये सब के सब अंडर रूट एम की फॉर्म में हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे तो देखो नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, सब आते हैं, क्या ये सब के सब रूट एम की फॉर्म को फॉलो करेंगे, मतलब एम कोई नंबर होगा, है ना। तो देखो अगर मैं सब पे रूट लगाऊं, सब पर रूट लगा दूं मैं, अब मुझे बताना कि यहाँ से चलते हैं, रूट ज़ीरो का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो, रूट वन का वैल्यू क्या होगा, वन, रूट टू का वैल्यू क्या होगा, बताओ क्या होगा, सर ये तो एक इरेशनल नंबर है, रूट थ्री का वैल्यू, सर ये भी एक इरेशनल नंबर है, है ना। रूट फोर का वैल्यू ये टू होगा, रूट फाइव देखो ये भी एक इरेशनल नंबर है, अब माइनस का रूट वन, रूट माइनस वन, सर ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने अभी तक कोई ऐसी वैल्यू नहीं पढ़ी है कि जो रूट के अंदर उसका वैल्यू नेगेटिव हो, है ना। अभी तक हमने खाली स्टडी किसकी करी है, रूट के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। अगर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर क्लास 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ऐसे नंबर्स हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 11th में, कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर्स। खैर तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि हम सारे नंबर्स को रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, एक नंबर लाइन पे इसको हम नहीं लिख सकते हैं, इसको भी नहीं लिख सकते, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो,
एक एग्जांपल अगर देंगे हम, एग्जांपल हम दे सकते हैं, ये हमारा आंसर है। एग्जांपल दे सकते हो आप रूट फोर का दे लो। चलो देखो रूट फोर को आप इस सॉरी फोर को आप अंडर रूट फोर नहीं लिख सकते, क्योंकि अंडर रूट फोर का वैल्यू क्या होता है, टू है ना। तो ये हमारा एक एग्जांपल इसका जस्टिफिकेशन हो सकता है कि आप नंबर लाइन पे हर नंबर को रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटे, क्लियर है। इसको भी नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते। आप अपने एग्जांपल में ये भी दे सकते हो कि माइनस वन को हम अंडर रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो अंडर रूट माइनस वन, माइनस टू एंड सो ऑन, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन, बहुत आसान वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल समझ समझ के करेंगे, सबको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आप जानते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम उन सब नंबर्स का अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। चलो देखते हैं, इफ़ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज़ अ इरेशनल नंबर। देखो क्या कह रहा है, अगर वो नहीं है तो आप एक एग्जांपल दीजिए, कि आप एग्जांपल किसका दीजिए कि आप उस नंबर का स्क्वायर रूट हमें बता रहे हो और वो नंबर एक इरेशनल नंबर होगा। ये तो बहुत आसान है, देखो। चलो यहाँ पे हम कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं, जैसे ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड सो ऑन। अब ये कहना चाह रहा है कि जब हम इस सब का अंडर रूट लेंगे तो ये सब के सब इरेशनल होने चाहिए, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर आपके इरेशनल होने चाहिए। चलो देखते हैं भाई, क्या ये अंडर रूट ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, अंडर रूट वन की वैल्यू वन होती है। तो ये तो यहीं से प्रूफ हो गया कि हम इसको अंडर रूट में नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये एक रैशनल इरेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। हाँ रूट टू हमारा एक इरेशनल नंबर है, रूट थ्री भी इरेशनल नंबर है, क्या रूट फोर है, नहीं सर। फोर को आप अगर फोर पे अंडर रूट लोगे तो इसकी वैल्यू तो टू होती है, और टू को हम लिख सकते हैं क्या, टू अपॉन वन। ये तो एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल है, ये है, ये है, ये है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि बेटे रूट नाइन की वैल्यू क्या होती है, थ्री, और थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री अपॉन वन। तो सारे नंबर, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ आपके रैशनल भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा नो, कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नहीं होते बेटा। तो जस्टिफिकेशन हम क्या देंगे, एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हम रूट फोर का दे सकते हैं, रूट फोर का वैल्यू हमारा टू होता है, रूट नाइन का वैल्यू थ्री होता है, इस तरीके से। ये एक बहुत आसान वाला क्वेश्चन था, है ना, क्लियर है सबको, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, आप रूट फाइव को जो इरेशनल नंबर है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। चलो इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, एक वीडियो बनी हुई है बेटा मेरी, मैं उसको इसी लेक्चर के साथ मर्ज कर दूंगा, तो उसका तरीका हम सीखेंगे कि कैसे हम रूट फाइव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नंबर लाइन पर, ठीक है बेटे। तो वहाँ हमारी फिनिश हो जाएगी एक्सरसाइज 1.2। सबको क्लियर है, सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्लियर है सबको, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। या सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन का सीबीएसई का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर
नंबर लाइन सब जानते हैं, बचपन में कराया सब ने, नंबर लाइन बनाई है ना। तो नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे हम। पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे रूट टू को, ठीक है बेटा। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रूट टू को। रूट टू एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है सर। देखो वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज़ है ये, अच्छे से समझते हुए चलेंगे सब, ठीक है। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, कितनी बड़ी भी कर सकते हो। से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। इसका कोई नाम दिया हमने, अपनी मर्जी से नाम दे लो कुछ भी, ऐसे ओ, और इसका मान लो एक्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। देन आफ्टर इस पे कोई एक पॉइंट हम अज्यूम करेंगे, कोई भी पॉइंट जिसका नाम होगा ए। क्या नाम होगा, तो आंसर है ए। यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, मतलब हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे। ये हम सब किसको बनाने के लिए कर रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट करना है रूट टू को एक नंबर लाइन पर। ये हमने एक नंबर लाइन बना ली, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। उस लाइन पर हमने कोई पॉइंट लिया ए अपनी मर्जी से। देन 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितने सेंटीमीटर की सर, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट अज्यूम करा, एक पॉइंट लगाया, तो आंसर है बी, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है बेटे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस बी पर एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल। अभी तो मैं प्रोटेक्टर की मदद से बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का है, लेकिन आप लोग विद द हेल्प ऑफ कंपस से 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। सब लोग सीख के आए हैं कैसे बनता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। एक बार इसे बना के देख लेते हैं। कुछ हिल गया है, ये हिल गया है, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई, इस पॉइंट पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। देन आफ्टर हम कंपास में 1 सेंटीमीटर मेजर करेंगे बड़े ध्यान से, कितना, 1 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट पर रख कर एक 1 सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे, आर्क, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको, ये हमने कितने सेंटीमीटर का बना लिया, 1 सेंटीमीटर का। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसको कोई नाम देंगे सी, इस पॉइंट को, और इस सी को ए से क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, जॉइन, ठीक है, ये जॉइन कर दिया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है प्यारे बच्चों, सी पर, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। राइट एंगल बी पर बन रहा है, बी पर। एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या करा, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, अपनी मर्जी से एक पॉइंट माना ए, ठीक है, हमने अपनी मर्जी से पॉइंट लिया। फिर इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट दूसरा लिया बी। देन उसके बाद हमने क्या करा, बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, क्लियर। और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद उस लाइन पर हमने 1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया, और उस पॉइंट से ए को जॉइन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है,
एक एक स्टेप। देन आफ्टर हमें ये देखा कि एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल विच इज़ राइट एंगल एट बी। तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यहाँ पे एसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबको आती है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये भी लिखेंगे राइट एंगल एट बी, ठीक है बेटे, राइट एंगल एट बी। तो बाय पी जी टी स्टैंड्स फॉर पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम, ठीक है बेटे। तो AC की वैल्यू क्या है पता नहीं सर, हमें निकालनी है। AB का वैल्यू 1 और BC की वैल्यू भी क्या है 1। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2। तो बेटा यहाँ से AC का वैल्यू कितना आ गया, AC का वैल्यू आ गया रूट 2 सेंटीमीटर। मतलब AC की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, रूट 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर आ रही है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे कि हम इस ए से सी तक की डिस्टेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे कंपस में। कंपस की एक नोक यहाँ पे और पेन की एक नोक यहाँ पे। करने के बाद जितना डिस्टेंस ये इसमें आया है हम उतना ही एक यहाँ पे आर्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर्क, ये दिख रहा है आर्क सबको, ये दिख रहा है आर्क, ये वाला। मैंने क्या करा, ए से सी तक की डिस्टेंस को मेजर करा और ये एक मैंने आर्क लगा दिया उसी सेम डिस्टेंस का। अब बेटा ये जो आर्क, इस आर्क, ये जो आर्क है जहाँ पर भी इस लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स ये वाला पॉइंट को मैं मान लूँ आपका बी डैश, तो यहीं पर आपका क्या होगा, रूट टू रिप्रेजेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक। फिर से क्या करा मैंने कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मैंने एसी का वैल्यू निकाला। एसी का वैल्यू निकालने के बाद प्यारे बच्चों मैंने कंपस में इसकी जो डिस्टेंस थी उसको मेजर करके उसी सेम डिस्टेंस का यहाँ से एक आर्क लगा दिया, और वो आर्क इस लाइन पर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को, वो पॉइंट को हम कुछ नेमिंग करेंगे। जैसे मैंने बी डैश कराया, पी मान सकते हो, पी कि कुछ भी मान सकते हो। तो इससे इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, रूट टू। तो मतलब रूट टू आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आ रही है बेटे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब ऐसे ही अब आपसे अगर पूछी जाए कि रिप्रेजेंट करो रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन, तो अब हम कैसे करेंगे रूट थ्री को, आइए सीखते हैं। हालांकि बेटे अगर हमें रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है तो हमें जो स्टेप हमने अभी यहाँ यूज़ करे हैं वही स्टेप हम दोबारा अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम उसी में करते लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग हो गई थी इसीलिए मैं उसमें कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा एक लाइन बनाऊँगा, ठीक है। कुछ भी नाम दे लो इसका, ओ ए, क्या नाम मैंने पहले रखा था, ओ एक्स, ठीक है। अपनी मर्जी से मैंने कोई पॉइंट माना ए, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट माना था मैंने बेटे बी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, एक 90 डिग्री का एंगल बनाया था बिल्कुल, है ना, यहाँ पर, और 1 सेंटीमीटर का एक मैंने यहाँ पे आर्क लगाया था और बेटे उसको मैंने इससे ए पॉइंट से ये रहा ये इससे जॉइन कर दिया। इस पॉइंट का मैंने नाम दिया था सी, ठीक है ना। और कैसे मैंने
आर्क लगाया था पहले रूट टू के लिए, ये वाली वैल्यू मैंने निकाल ली थी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। रूट टू मैंने क्या करा था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करके इतना ही एक आर्क लगाया था। ठीक है, ये क्या बता रहा था यहाँ पे ये पॉइंट कि रूट टू, जैसे कोई पॉइंट है पी की, हमने रूट टू को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अगर हमें रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है बेटे, तो जो स्टेप मैंने यहाँ यूज़ करे हैं वही अब मुझे इस लाइन पर यूज़ करने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये वाली लाइन लूँगा ए सी, ए सी मैं एक बेस मानूँगा बेस। ठीक है, अब इस पर मैं दोबारा फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। आप प्रोटेक्टर की अभी मैं यूज़ ले रहा हूँ, लेकिन आप कंपस से बनाओगे वाली। ठीक है, कि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे कंपास में मेजर करके 1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाऊंगा। ठीक है बेटा, इस पॉइंट का मैं कोई नाम दूंगा डी। और हाँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस डी से ए को यस जॉइन करने वाला हूँ। कर दिया। अब आप बड़े ध्यान से देखो कि यहाँ भी अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनकर तैयार हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये रहा ए सी डी। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि जो स्टेप हमने यहाँ यूज़ करे थे वही अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखो ये डी सी हमारी 1 सेंटीमीटर की है, ए सी हमारी, ए सी की वैल्यू क्या है, रूट टू है, हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाला है। अब फिर से इन ट्राइंगल ए सी डी में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, किसको निकालने के लिए, ए डी को। ए सी स्क्वायर, ठीक है, तो डी सी की वैल्यू क्या है 1, ए सी का वैल्यू क्या है रूट टू, तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट टू का स्क्वायर 2 3, तो ए डी की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए डी की कितनी वैल्यू आ गई, √3। अब बेटा जो चीज़ हमने वहाँ करी थी कि हम इसको पहले मेजर करते थे इतनी डिस्टेंस को और ऐसा इतना एक आर्क लगा देते थे उतनी सेम डिस्टेंस का, वही सेम चीज़ अब हम यहाँ करेंगे। हम ए से डी तक की मेजरमेंट को, ए से डी तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे और उतना ही एक क्या लगा देंगे आर्क। देखो ये मेजर कर लिया हमने, ये अब उतना ही हम एक आर्क लगाएंगे बड़े ध्यान से। ये लगा दिया। ठीक है बेटे, अब ये आर्क इस लाइन पर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जैसे क्यू, वो दर्शाएगा कि आपने √3 को रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पर। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से बेटे हम √4, हालांकि √4 की वैल्यू तो 2 होती है, लेकिन हम ऐसे ही बिल्कुल √4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √5 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवन √6 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार √4 को और करते हैं। चलो अब √4 को करने के लिए हम दोबारा वही चीज़ अप्लाई करेंगे, ए डी को बेस मानेंगे और डी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जल्दी से। ठीक है ना, ये जैसे ये हमारा बेस है, यहाँ बन गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, वही चीज़ 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटे, इसको नाम देंगे ई और ए ई को कर देंगे हम क्या, जॉइन। कर दिया। यहाँ से हमें पता चला कि ई डी का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और ए डी की वैल्यू कितनी है, √3। ठीक है, अब हम दोबारा इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और वहाँ से वो फाइंड करेंगे कि ए ई की वैल्यू कितनी आएगी।
तो करते हैं फटाफट। इन ट्राइंगल ए डी ई, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ई डी की वैल्यू कितनी है 1 और ए डी की वैल्यू कितनी है रूट 3। 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 के स्क्वायर की वैल्यू 3, 4। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4, तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई रूट 4। हालांकि इसकी वैल्यू 2 होती है लेकिन हमको रूट 4 को रिप्रेजेंट करना है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई ए ई की वैल्यू रूट 4। अब आप कहोगे सर अब हम जानते हैं क्या करने वाले हैं, ए ई हम यहाँ से ए ई को मेजर करेंगे, ये कर लिया हमने क्या मेजर, अब भाई आर्क लगाएंगे हम, ये लगा दिया आर्क। चलो भाई ये वाला पॉइंट, इसको इस पॉइंट का नाम दे दो आर और यहाँ हमें पता चल रहा है रूट 4 मीन्स 2 रिप्रेजेंट हो गया, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा अगर यहाँ पे ये 2 रिप्रेजेंट हमने कर दिया है तो बी से यहाँ तक की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, और ए से आर तक की डिस्टेंस 2 होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल ये भी 2 है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही कर रहे हैं बेटा। इसी तरीके से हम रूट 5 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, यहाँ तक सबको क्लियर है, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है सबको, कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना ठीक है। अब एक बात बड़े पते की है, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि रूट 5 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, तो आप कहोगे कि सर क्या हमें ये महाभारत दोबारा करनी पड़ेगी कि पहले हम रूट 2 को करेंगे, फिर रूट 3 को करेंगे, फिर रूट 4 को करेंगे, तब हमारा नंबर रूट 5 पे आएगा। तो आंसर है नो। देखो रूट 5 को करने के लिए हमें एक छोटा सा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा अपने दिमाग का, वो क्या सर, देखो बेटे रूट 5 जो है वो कैसे आ सकता है, सोचो रूट 5 ऐसे आ सकता है जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है, ये तो श्योर है कि रूट 5 जो है वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई है, जैसे अभी तक जितनी भी ये रूट की वैल्यू जो आई हैं ये सब की सब राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है कि नहीं है बेटे, है ना। तो अगर ये रूट 5 की जो वैल्यू आई होगी वो एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ तक बात समझ में आई है, ये सब जानते हैं हकीकत है। मान लो कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें रूट 5 AC की वैल्यू रूट 5 है ठीक है, तो AB और AC कितना रहा होगा सोच के बताओ। तो आंसर है हो सकता है AB जो है वो 1 सेंटीमीटर रहा हो और BC जो है वो 2 सेंटीमीटर रहा हो सर, क्यों, क्योंकि जब हम AB का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का स्क्वायर करेंगे तो देखो AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 तो AC का स्क्वायर कितना होता ये हम निकाल रहे हैं, तो देखो AC की वैल्यू आ गई रूट 5, इसका मतलब ये हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम वैल्यू को एक एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हमें रूट 5 फाइंड करना है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस की वैल्यू ये होगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटे। अब आप कहोगे कि सर ज़रूरी है ये वाली 1 हो, ये 2 नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है 2, देखो ये वाली बेस लाइन हमारी 2 हो सकती है, ये 1 हो सकती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तब भी आप जब यूज़ करोगे पाइथागोरस तब भी इसकी वैल्यू रूट 5 आएगी। ये मैं आपको एक रूट 5 निकालने का तरीका बता रहा हूँ है ना। ऐसे ही अगर आपको मान लो रूट 6 का वैल्यू निकालना है, ये आप सब करके देखना, जैसे अगर आपको रूट 6 का वैल्यू निकालना है बेटे, तो रूट 6 अगर हमें निकालना है तो वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी रूट 6 एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सर अब हम उस कंडीशन में ये वाली बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लें,
तो बेटा ऐसी कोई वैल्यू डिफाइंड है ही नहीं है। अब उसके बाद अगर आपको रूट सिक्स रिप्रेजेंट करना है तो पहले आपको डायरेक्टली आप रूट फाइव कर सकते हो, डायरेक्टली नंबर लाइन पर रूट फाइव कर सकते हो। देखो कैसे, हम फटाफट एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। हमने को यहाँ पे पॉइंट लिया ए, यहाँ से हम इसको लेके चल रहे हैं, यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले ली, ठीक है, बी बी पर, ठीक है बेटे। यहाँ पे फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, सॉरी 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, ये बना लिया हमने, 90 डिग्री मेजर कर लिया। अभी तो मैं प्रोटेक्टर से कर रहा हूँ, लेकिन आप किससे करोगे, हाँ कंपास से, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आंख लगा देंगे, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इस सी पॉइंट से ए को जॉइन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनके तैयार हो गया, ये 2 ये 1। पाइथागोरस लगाने के बाद ये वैल्यू कितनी आएगी, √5। यहाँ तक सब को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते थे, कंपास में इसकी डिस्टेंस को मेजर करते थे बड़े आराम से, और एक आर्क लगा देते थे, तो ये हमें पता चल जाता था कि ये जो पॉइंट है ये √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब √6 के लिए वही चीज़, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का एक आर्क, फिर इसको हम जॉइन करेंगे, है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6, क्यों, क्योंकि देखो इन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी डी, जिसमें ए सी की वैल्यू है √5, ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो 5 + 1 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 6 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो ए डी की वैल्यू आ गई √6 आ गई। नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाला है, अब वही चीज़ हम दोबारा करेंगे, ए से डी तक को हम मेजर करेंगे कंपास में, उतना ही एक आर्क लगा देंगे, बस ये हमारा हो गया √6 का पॉइंट। समझ में आया बेटा कि हमने किसी नंबर इरेशनल नंबर को √3 √4 √5 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा, हमने √4 भी सीखा, हमने √5 भी सीखा, हमने √6 भी सीखा। ज़्यादा नहीं आता है, यहीं तक आ सकता है, अगर ज़्यादा भी आए जैसे √11 पूछ ले तो हम दिमाग लगा के वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटे। ये था हमारा रिप्रेजेंटिंग अ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन।